सभी को मेरी नमस्कार। आई होप आप सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे। मैं हूं अतुल गोयल। आज का टॉपिक है बैटिंग एवरेज। क्रिकेट की बातें थोड़ी सी कर लेते हैं। मैं आपको चीज़ें समझा देता हूं क्या रिक्वायर्ड है आपको। ठीक है, लड़कों के लिए जो क्रिकेट देखते हैं ज़्यादा, उनके लिए ये बैटिंग एवरेज और बॉलिंग एवरेज दो वीडियोज़ हैं क्रिकेट से रिलेटेड, वो इतना कठिन उनके लिए होगा नहीं, है ना, आराम से हो जाएगा। और जो लोग नहीं भी देखते हैं उनको मैं बता देता हूँ क्या इम्पोर्टेंट है। क्रिकेट में बैट्समैन होता है, इतना सबको पता होगा, जो बैटिंग करते हैं, रन्स बनाते हैं, और बॉलर्स होते हैं जो विकेट लेने की कोशिश करते हैं। बैट्समैन क्या करेगा, रन स्कोर करेगा। बॉलर क्या करेगा, विकेट्स लेगा, है ना। एंड इसमें बैटिंग एवरेज हमारा कंसिडर किया जाता है, इसमें बॉलिंग एवरेज कंसिडर किया जाता है, और भी दो तीन चीजें हैं जो एवरेज चैप्टर के कंसिडर अगर किया जाए तो आपके काम लायक नहीं है। बट मैं फिर भी बॉलिंग इकोनॉमी से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, तो अभी बॉलिंग के बारे में मैं सारी चीजें आपको डिक्लेयर नहीं करूंगा, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बॉलर्स एवरेज या बॉलिंग एवरेज जब हम लोग क्वेश्चन उसके सॉल्व करेंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट मैं उसमें बताऊंगा। बैटिंग एवरेज से रिलेटेड क्या चीजें हैं, ठीक है। कोई भी एवरेज क्या होता है, सम अपॉन नंबर, सम अपॉन नंबर। तो बेसिकली क्या होता है कि एक बैट्समैन है, उसने मान लीजिए 5 इनिंग्स में मिला के 100 रन बनाए, तो नंबर ऑफ इनिंग्स कितनी हो गई, 5। उसका एवरेज कितना हो गया, 20। 20 रन्स पर इनिंग्स के एवरेज से वो रन बना रहा है ना। अगर आप इसे रियल प्रैक्टिकल अप्रोच में देखें तो ऐसा केस नहीं होता है ना। एक्चुअल में क्या होता है कि जितनी बार वो आउट होगा बैट्समैन, वो यहाँ पे आता है। बट हमारे एसएससी के सिलेबस में या एवरेज चैप्टर की बात करें तो हमेशा हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ इनिंग्स करेंगे। यानी कि मैं आपको अगर एक एग्जाम्पल समझाऊं, किसी बैट्समैन ने 5 इनिंग्स में 100 रन बनाए, तो हमारे हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए, 20। एवरेज उसका बैटिंग एवरेज 20 होगा। बट अगर मैं आपसे कहूं कि वो बैट्समैन 5 में से 1 इनिंग्स में नाबाद रहा, नॉट आउट रहा, ऐसा भी होता है ना, बहुत बार बैट्समैन जिता के नॉट आउट रह के जाते हैं, तो वो केवल कितनी बार आउट हुआ, 4 बार आउट हुआ। तो एक्चुअल में अगर आप देखेंगे क्रिकेट के जो स्टैट्स होते हैं तो उसमें उसका एवरेज क्या काउंट होगा, 25, 100 डिवाइड बाई 4। ठीक है, बट ये चीज मैं केवल आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। एसएससी में आपको ऐसे ही सवाल मिलेंगे, हो सकता हो अगर उसे वेरिएशन देना हो तो वो स्पेसिफिकली मेंशन करेगा कि रन्स पर विकेट के हिसाब से एवरेज निकाला जा रहा है। ठीक है, बैटिंग एवरेज की बात मैं कर रहा हूँ कि कितनी बार वो आउट हुआ और कितने रन उसने बनाए, नहीं तो अमूमन तौर पे आपको क्या मिलेगा, रन्स पर इनिंग्स। इसी को साथ में लेके आपको चलना है, कंफ्यूज ना होइएगा। क्वेश्चंस काफी सिंपल है, मैं ऐसी ट्रिक आपको बता दूंगा, एक सिंगल लाइन का फॉर्मूला है और उसके थ्रू आपको आराम से सारे क्वेश्चन इसके हल हो जाएंगे, है ना। पहले आसान क्वेश्चनों से शुरू करते हैं, टोटल 5 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन है कि एक बैट्समैन है जिसने अपनी 16th इनिंग्स में 85 रन बनाए और उसका जो बैटिंग एवरेज है, मान लेते हैं पहले अगर ए था बैटिंग एवरेज, तो अभी उसका बैटिंग एवरेज इंप्रूव होके A+3 हो गया। ठीक है, एक बैट्समैन के लिए जितना ज्यादा उसका बैटिंग एवरेज, यानी कि वो उतना ज्यादा रन्स बनाता है पर इनिंग्स, तो वो उतना ही अच्छा होता है। इंप्रूवमेंट की बात हो रही है तो यहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे पुराने एवरेज में 3, आपको नया एवरेज पूछा जा रहा है, यानी कि A+3 की वैल्यू। अब मैं आपको एक पहले बेसिक से बताता हूँ कैसे करना है और फिर आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि सारी चीज आपको समझ में आ जाए। बेसिकली क्या होता है, एवरेज नंबर ऑफ रन्स अपॉन इनिंग्स। ठीक है, देखिए यहाँ विकेट की कोई बात ही नहीं है तो कंफ्यूजन आपको होगी नहीं। इसने मान लेते हैं नंबर ऑफ रन्स आर बनाए और नंबर ऑफ इनिंग्स इससे पहले कितनी थी, 15। ये इसका पुराना एवरेज था, तो इसे मैं लिख सकता हूँ क्या कि आर इज इक्वल टू 15 है, ये लिख सकता हूँ। अभी 16th इनिंग्स में कितने रन्स हो गए, 15 A+85, पुराने वाले सारे रन जोड़ लीजिए और 16वें वाले की रन जोड़ लिए, अपॉन टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स अभी कितनी हो गई, 16, और नया एवरेज कितना हो गया, A+3। तो यहाँ पे ए की अननोन है, ए आराम से आपका ए की वैल्यू आएगी और वहां से आप न्यू एवरेज निकाल लेंगे।
ये हो गई आपकी ट्रेडिशनल मेथड जो आपको यूज नहीं करनी है, ये केवल मैंने आपको समझा दिया ताकि जो लोग नहीं देखते क्रिकेट उनको भी समझ में आ जाए कैसे चीजें वर्कआउट करूंगी। अब बात करते हैं दूसरे मेथड की, जो मेन मेथड है। एक फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, जब तक खत्म ना हो जाए ये क्वेश्चन आराम से देखिएगा, आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी। न्यू स्कोर इज इक्वल टू ओल्ड एवरेज प्लस या माइनस डेविएशन इनटू नंबर ऑफ इनिंग्स। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में भी याद रख सकते हैं, एस इज इक्वल टू ए प्लस माइनस एन डी। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको कहीं मिलेगा नहीं। अब इसकी मैं आपको इस चीज का रख के पहले आंसर निकालता हूं और फिर इसका महत्व बताता हूं। क्या हो रहा है, नया स्कोर यानी कि जो लास्ट इनिंग्स में इसने स्कोर किया ये आ गया 85, पुराना एवरेज हमने ए माना था ये ए हो गया। प्लस माइनस का क्या है, अगर एवरेज बढ़ रहा है तो प्लस होगा, अगर एवरेज घट रहा है तो माइनस होगा। तो यहाँ पे एवरेज बढ़ रहा है तो प्लस लगाएंगे। डेविएशन कितने का हुआ, जितना मतलब कि पुराने और नए एवरेज में डिफरेंस है, 3 का डेविएशन हुआ। और नंबर ऑफ इनिंग्स हमेशा आपको क्या लेनी है, टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स सारी मिला के, लास्ट वाली भी मिला के। यहां से डायरेक्टली देखिए कितनी आसानी से आपका एवरेज आ गया, एवरेज आ गया 85 माइनस 48 दैट इज 37, और आपको ए प्लस 3 की वैल्यू निकालनी थी ये आ गया 40। तो इस एक सिंगल फॉर्मूले से आपके बैटिंग एवरेज से रिलेटेड सारे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, है ना। आसान सा फॉर्मूला है, नया स्कोर जो है वो बराबरी करेगा ओल्ड एवरेज प्लस माइनस डेविएशन इनटू नंबर ऑफ इनिंग्स। अब इसका महत्व मैं बताता हूं, ठीक है। हो क्या रहा है बेसिकली, यहाँ पे नई इनिंग्स में इसने जितना रन्स बनाया ये पुराने एवरेज से जितना ज्यादा होगा, यानी कि 85 माइनस ए की बात मैं कर रहा हूँ, यही कंट्रीब्यूट करेगा हमारे नए एवरेज में जो बढ़ रहा है 3, है ना, यही कंट्रीब्यूट करेगा। तो बेसिकली यही चीज हो रही है कि ये जो डिफरेंस है ये बराबर हमने रख दिया 16 इंटू 3 के, और यहां से ए की वैल्यू क्या आ गई 37। तो इसको बस लिखने का वे अलग है, अगर आपको ये लॉजिक ना समझ में आए इसलिए मैंने ये फॉर्मूला बना दिया है कि आपको याद करने में इसमें आसानी हो जाए। तो दोनों तरीके हैं, आपको जैसे समझ में आए आप उस तरीके से इसको कर सकते हैं। मुझे ये फॉर्मूला सबसे बेस्ट लगता है क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इस फॉर्मूले से सॉल्व ना हो पाए। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है, इस बार डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। 120 रन बनाए उसने लास्ट इनिंग्स में, 12वीं इनिंग्स में, एवरेज 5 से इंप्रूव हो रहा है, तो अगेन क्या होगा 12 इंटू 5। सिंपल मैंने लिखा, एवरेज इसका पुराना आ गया 60, और इस बार तो पुराना एवरेज ही पूछ रहा था, ये हमारा आंसर हो गया। बस इतना सा 10 सेकेंड का क्वेश्चन था, ये करना था। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा अलग है ना, थर्ड फोर्थ फिफ्थ तीनों अलग अलग है, ध्यान से देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन में क्या हो रहा है, 23 इनिंग्स में एक बैट्समैन ने कुछ रन बनाए, हमें नहीं पता कितने रन बनाए, फिर उसने 24वें और 25वें दो इनिंग्स में मिला के 225 रन बनाए। इस बार दो इनिंग्स हो गई, ठीक है, इंडिविजुअल स्कोर नहीं है, और उसका एवरेज इस बार बढ़ रहा है 3 से, तो यानी कि डेविएशन तो आ गया 3, नंबर ऑफ इनिंग्स भी आ गई आपकी कितनी 25, और रन्स जो न्यू स्कोर है वो क्या आ गया 225, बट ये दो इनिंग्स का स्कोर है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हल्का सा माइनर चेंज होगा, जब भी आपका एक से ज्यादा इनिंग्स हो, ठीक है, वो दो हो तीन हो जितना भी हो, आपको क्या करना है, नया स्कोर लिखा, जहां पुराना एवरेज आप लिखते हैं यानी कि ए लिखेंगे, उसी के आगे आपको मल्टीप्लायर लगाना है नंबर ऑफ इनिंग्स का, तो यहाँ पे एक एन ऐड कर लीजिए इस फॉर्मूले में, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर दो इनिंग्स का आपने यहाँ स्कोर लिखा है तो यहाँ पे क्या लिखना है, 2A प्लस 25, 3 से 75, 2A की वैल्यू क्या आ गई 150, A की वैल्यू क्या आ गई 75, यानी कि ये पुराना एवरेज है, नया एवरेज कितना हो जाएगा 78 प्लस 3, कितना सा चेंज करना है आपको इस फॉर्मूले में और आपका आंसर आ जाएगा। अब ये यहाँ पे 3 इनिंग्स हो, 4 इनिंग्स हो, 5 इनिंग्स हो या 1 इनिंग्स हो, तो 1 इनिंग्स में ये एन की वैल्यू 1 हो जाती है, इसीलिए वहां पे हम लोग इसे मद्देनजर या इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो ये इतना सा चेंज था, और आगे देखिए इससे हम लोग कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इस बार आपको दिया है 40 इनिंग्स का एवरेज जो है 50 है,
और इसके हाईएस्ट और लोवेस्ट स्कोर का डिफरेंस कितना है 172, यानी कि मैं लोवेस्ट स्कोर को अगर एक्स मान लूं तो हाईएस्ट स्कोर कितना है एक्स प्लस 172, ये मैं बोल सकता हूं क्योंकि एक ही वेरिएबल ले लेते हैं। दोनों स्कोर्स को अगर हटा दिया जाए, इन दोनों को अगर हटा दिया जाए तो एवरेज ऑफ रिमेनिंग 38 इनिंग्स कितना हो जाएगा 48। आपको बताना है ये हाईएस्ट स्कोर यानी कि एक्स प्लस 172 की वैल्यू आपको बतानी है। कैसे करेंगे सॉल्व? देखिए उल्टा चलिए, अगर हम इस यहां से यहां चलें तो मैं इसे ऐसे भी बोल सकता हूं कि बैट्समैन का 38 इनिंग्स का एवरेज कितना है 48 है, और लास्ट की दो इनिंग्स में उसने एक्स रन्स और एक्स प्लस 172 रन्स बनाए और उसका एवरेज बढ़ के कितना हो गया 50। डेविएशन कितने का हुआ? 2 का। अब मैं फॉर्मूले में अगर वही फॉर्मूले में रखूं तो स्कोर्स क्या है, स्कोर्स का सम है 2x प्लस 172, और क्योंकि दो इनिंग्स हैं तो मैं पुराने एवरेज यानी कि 48 में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, और यहाँ पे फर्क आ रहा है डेविएशन 2 का पॉजिटिव इंटू नंबर ऑफ इनिंग्स लास्ट में कितनी है 40, ये कितना हो गया 96 प्लस 80 176। अब इतना कठिन इतना बड़ा क्वेश्चन है और देखिए इस फॉर्मूले से कितने आसानी से आपको आंसर अपना मिल गया। एक्स की वैल्यू 2 है, एक्स प्लस 172 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 174। बात समझ में आई? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप इस फॉर्मूले को समझ गए तो आपको ये सारे क्वेश्चन काफी सिंपल लगेंगे। अब आप कुछ बच्चे सोचेंगे कि यार मैं क्यों उल्टा जाऊं, मुझे इस तरीके से ही करना है। तो इस तरीके से अगर आपको करना है तो उसमें ये फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा, फिर आपको ट्रेडिशनल मेथड से जाना पड़ेगा जिसमें आपको कम से कम 1.5 मिनट लग जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने। तो उससे अच्छा है कि आप उल्टा जाइए और 30 सेकेंड में इस क्वेश्चन को टिक करके आगे बढ़िए, है ना। लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी एकदम यूनिक टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या हो रहा है, 750 रन बैट्समैन ने बनाए एन इनिंग्स में, तो एवरेज इसका कितना हो गया इतने इनिंग्स में 750 बटे एन। नेक्स्ट टू मैचेस में क्या हो रहा है, उसने 6 रन बनाए, नेक्स्ट टू मैचेस में उसने 6 रन बनाए और उसका एवरेज 2 से कम हो गया, तो यानी कि मैं बोल सकता हूं नेक्स्ट 2 इनिंग्स का मिला के इसका कितना हो गया रन 756, नंबर ऑफ इनिंग्स एन प्लस 2 हो गई और नया एवरेज कितना हो गया 756 अपॉन एन प्लस 2। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये अपने आप में यूनिक है, इसमें कोई फॉर्मूला कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं चलेगी। एक ट्रिक है वो मैं बताता हूँ, इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि 750 बाई एन माइनस 756 अपॉन एन प्लस 2, ये वैल्यू आपको दी हुई है 2 के बराबर, यानी कि ओल्ड एवरेज मैंने किया और माइनस कर दिया न्यू एवरेज, तो आपको 2 का डिफरेंस मिलेगा जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। हमने सब कुछ एज इट इज उतार दिया है। बस इस टाइप के क्वेश्चन में आप देखें, आप वहां पे ना ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ना आप स्टैंडर्ड डेविएशन लगा सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इनिंग्स आपको नहीं पता है, ना आपको ओल्ड एवरेज पता है, ना आपको नया एवरेज पता है, और ना आपको उस फॉर्मूले में अप्लाई करने के लिए काफी सारे आपके वेरिएबल्स निकल के आ जाएंगे, तो एक से ज्यादा वेरिएबल निकलेगा तो सॉल्व होगा नहीं। अब यहाँ पे देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन के लिए भी आपको कैसे करना है सॉल्व, आपको क्या करना है, बेसिकली जो ऑप्शंस दिए हुए हैं आपसे क्या पूछा है, नया एवरेज बताइए, नया एवरेज बताइए, तो आपको ये चारों में से ही कोई होगा नया एवरेज जब ऑप्शन दिया हुआ है, आपको चेक करना है सीधे, पहले ऑप्शन ही देखा, अगर नया एवरेज मेरा क्या है 756 अपॉन एन प्लस 2, अगर ये 28 के बराबर है ना। अब देखिए नंबर ऑफ इनिंग्स हमेशा आपकी डेसिमल में तो होंगी नहीं, होल नंबर में ही होगी, तो आपको पता है कि ये सब चीज ऑलरेडी आराम से सिंप्लीफाई होगी और कुछ भी डेसिमल में नहीं आने वाला है, तो ये 30 तो हो नहीं सकता क्योंकि 30 को यहाँ रखेंगे तो ये डेसिमल आ जाएगा, 38 भी नहीं हो पाएगा एंड 40 भी नहीं हो पाएगा, तो वैसे ही आपको लग जाना चाहिए कि यही मेरा आंसर होगा, ठीक है। ये ट्रिक थी, बट अगर आपको सॉल्व करना है यहाँ से तो मैं सॉल्व कर देता हूँ, ये 7 से कर देते हैं इसे सॉल्व, ये आ गया 27। तो बेसिकली 27 इज इक्वल टू एन प्लस 2, एन की वैल्यू आ गई 25, यानी कि नंबर ऑफ इनिंग्स क्या हो गई 25 स्टार्टिंग में, ये 25 हो गई तो ये 27 हो गई, और आपको अभी बस वेरीफाई करना है क्या हमने जो किया है वो सही है कि नहीं। तो मैंने पहले जो इनिंग्स आई उसका एवरेज निकाला तो ये 750 अपॉन 25 कितना आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा, और आप देखें कि नया एवरेज और पुराने एवरेज में डिफरेंस कितना है 2 का, तो सारी चीजें सेटिस्फाई हो रही हैं, तो यही हमारा आंसर है।
है ना। तो दिस वॉज ऑल अबाउट बैटिंग एवरेज, आपको इससे ज्यादा कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। अगर बैटिंग एवरेज की, लोग स्ट्राइक रेट और पता नहीं क्या क्या चीज बॉल्स ये सब निकाल के लाते हैं, बट अगर आप महत्व समझें एवरेज चैप्टर का, तो एवरेज चैप्टर इज ऑल अबाउट एवरेज ओनली, है ना। उसमें इकोनॉमी, स्ट्राइक रेट, ये सारी चीजों का कोई मतलब है नहीं, और ना ही कभी क्वेश्चन आज तक आया है 20-30 सालों में, और ना ही आएगा, है ना। तो ये चीज आप समझिएगा। एंड ये था हमारा बैटिंग एवरेज के बारे में सारे क्वेश्चंस। आई होप आपको मजा आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बॉलिंग एवरेज के बारे में भी थोड़ी बहुत बातें कर लेंगे, है ना। तब तक आप लोग का शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट। नमस्कार सभी को, मैं हूँ अतुल गोयल, आप सभी का स्वागत है। बैटिंग एवरेज अगर आपने पढ़ लिया है, आज हम लोग बॉलिंग एवरेज करेंगे, जो कि बिल्कुल डिफरेंट है इसको सॉल्व करने का तरीका। बैटिंग एवरेज काफी इजी था, उसकी मैंने एक ट्रिक बताई थी और एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला भी बताया था कि आराम से उसके सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं टफ से टफ। बॉलिंग एवरेज में थोड़ा सा खेल बदल जाता है ना। बॉलिंग एवरेज में क्या होता है, एक तो फॉर्मूला मैं बता देता हूँ सबसे पहले। बॉलिंग एवरेज जो होता है, जितने रन्स वो बॉलर खाता है और जितने विकेट्स वो लेता है, यहाँ पे मैचेस से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बैटिंग एवरेज में क्या था, कितने रन बैट्समैन बनाता है और कितने मैचेस में बनाता है, बट यहाँ पे क्या है, कितने रन्स वो ले रहा है, कितने विकेट्स वो ले रहा है, ये चीज आ रही है, ठीक है। मान लीजिए किसी बॉलर ने 50 रन देके 4 विकेट लिए, तो उसका बॉलिंग एवरेज क्या हो जाएगा, 50 डिवाइड बाई 4, 12.5। सिंपल सा ये फॉर्मूला है, बट इसके क्वेश्चन थोड़े से बैटिंग से अगर कंपेयर करूँ मैं, तो हल्के से आपको हो सकता है कि आपको थोड़े से ज्यादा कैलकुलेटिव लगे, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, इजी है। क्वेश्चन से डायरेक्ट शुरू करते हैं। इसमें मैं बॉलिंग इकोनॉमी पे भी एक क्वेश्चन कराऊंगा, जो मे भी आपसे पूछी जा सकती है, आई डोंट नो, 100% श्योर नहीं है, बट एवरेज चैप्टर में आपका इकोनॉमी का कोई काम नहीं है, एवरेज चैप्टर में आपका बैटिंग एवरेज एंड बॉलिंग एवरेज का काम है। बट क्योंकि हम लोग क्रिकेट की बातें कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, तो इसका एक क्वेश्चन बस मैं कवर कराऊंगा इस वीडियो में लास्ट में, तो उसको भी आप देख लेना, है ना। वो रीजनिंग में या कभी मैथ्स में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ध्यान से देखिएगा आपको क्या करना है, मैं पूरा तरीका बता दे रहा हूँ स्टेप वाइज। सबसे पहले बॉलिंग एवरेज आपको दिया हुआ है कि एक बॉलर का 12.4 रन पर विकेट है, ठीक है। तो बॉलिंग एवरेज क्या होता है, मैंने मान लिया रन्स आर है, विकेट्स डब्ल्यू है, ठीक है, सिंपल सा एज्यूम कर लिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। और आपका एवरेज क्या हो जाएगा, रन्स अपॉन विकेट, ये दे रखा है 12.4 था। इसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट मैच में इसने 22 रन देके 5 विकेट लिए, एवरेज क्या हो गया, 22/5 यानी कि 4.5, ठीक है। केवल इस पर्टिकुलर मैच के लिए मैं देख रहा हूँ बॉलिंग एवरेज। अभी इसने क्या बोला कि ओवरऑल क्या हुआ कि इसका एवरेज इस मैच के बाद 0.4 से कम हो गया, यानी कि पहले 12.4 था, अभी एवरेज कितना हो गया, 12। और फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अगर हम टोटल देखें तो अभी रन्स कितने हो गए, R+22, विकेट्स कितने हो गए, W+5। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, R+22/W+5 इज इक्वल टू 12, ठीक है। सिंपल सब किस तरीके से ही सारी चीज हम लोग करेंगे, क्योंकि इसमें बॉलिंग एवरेज में शॉर्टकट मैं प्रेफर नहीं करूंगा, है ना। जहाँ प्रेफर करने लायक होता है मैं बता देता हूँ, क्योंकि इसके क्वेश्चन थोड़े से उलट पुलट आ सकते हैं, उसमें आप फंस जाएंगे। अच्छा, अभी ये चीज है, स्टार्टिंग में आप देखिए आर और डब्ल्यू का रिलेशन दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, कितने विकेट्स उसने इस मैच से पहले लिए, यानी कि डब्ल्यू की वैल्यू हमें निकालनी है। तो W के लिए अगर हम R को लिखें, R को हम लिख सकते हैं 12.4 W उस इक्वेशन से यहाँ वाली, और इसको इसमें पुट कर दीजिए, तो एक ही अननोन हो जाएगा इसमें, +22 = 12W+60। यहाँ से आपको मिल जाएगा 0.4W = 60 - 22 38, और W की वैल्यू क्या आ जाएगी, 380/4, डेसिमल हटाने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी 95। तो 95 विकेट इन भाई साहब ने लिए थे इस मैच से पहले। बड़ा ही सिंपल सा तरीका है ये, ऐसे भी आप फॉलो करेंगे तो 30 सेकेंड्स में आराम से आपका आंसर निकल के आएगा,
और मैं अगेन आपको क्वेश्चन दे देता हूँ कि अलग ट्रिक से अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो इसके कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आप फंस जाएंगे, ठीक है। जैसे कि थर्ड क्वेश्चन एक ऐसे ही क्वेश्चन है, उसको मैंने इंक्लूड इसीलिए किया है इस क्वेश्चन के बाद समझाऊंगा, जिसमें सारी ट्रिक्स फेल हो जाती हैं। अभी बॉलिंग एवरेज सेम क्वेश्चन है, इस बार थोड़ा जल्दी करेंगे। 24.85 बॉलिंग एवरेज था, ठीक है, रन्स विकेट्स, तो यहां से क्या आ गया कि रन्स इज इक्वल टू 24.85W, ये चीज हमने डायरेक्टली अभी लिख ली। इसके नीचे क्या हुआ कि इसने 52 रन देके 5 विकेट लिए, ये वाला एवरेज इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी हम लोग को डायरेक्टली क्या करना है, इसे ऐड करना है आर प्लस 52 अपॉन डब्ल्यू प्लस 5 इज इक्वल टू एवरेज इसने कितना कम किया 0.85 का, यानी कि 24 हो गया एवरेज। यहाँ पे आपको ये चीज लिख देनी है, अगेन आपको सेम चीज मिलेगी 24.85W प्लस 52 इज इक्वल टू 24W प्लस 120। यहाँ से अगेन जो डिफरेंस है यानी कि जो इम्प्रूवमेंट है एवरेज में वो मिल गया, इज इक्वल टू 68, W इज इक्वल टू आ जाएगा 6800/85। 17 से करेंगे दिख ही रहा है 400/5, ये आ जाएगा आपका कितना 80 विकेट्स, ठीक है। सिंपल दोनों क्वेश्चन एक जैसे मैंने रखे ताकि आपको सब चीज अच्छे से समझ में आए। थर्ड क्वेश्चन दे दिए, बॉलर का जो एवरेज है वो इस बार गिवन नहीं है कितना बढ़ रहा है, बस ये बताया एक्स से बढ़ रहा है और 28 हो जाता है फाइनली, यानी कि अभी थर्ड लाइन का हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि 28 एवरेज हो जा रहा है, ठीक है। आफ्टर वो 4 विकेट लेता है लास्ट मैच में 50 रन देके, यानी कि सेकेंड लाइन मिल गई हमें, 50 रन दिया 4 विकेट लिया, ये वाला एवरेज हमें रिक्वायर्ड नहीं है। इससे पहले क्या हो रहा है, इससे पहले दिया हुआ है कि इसने एक्स बताइए, एक्स की वैल्यू हमें मतलब कि इम्प्रूवमेंट इन एवरेज देखना है। अगर इसने टोटल ओवरऑल विकेट बिफोर दिस मैच कितने लिए थे 46, यानी कि पहले के विकेट्स भी आपको दे दिए। रन्स हमें नहीं पता है तो रन्स को आर ले लीजिए, फाइनली क्या हो गया आर प्लस 50 रन्स हो गए और विकेट्स हो गए 50। तो अगर आप देखें फाइनल इक्वेशन में इस बार क्या हो रहा है, हमने बेसिक तरीके से किया तो ऑलरेडी हमें यहाँ पे आर तो डायरेक्टली मिल जा रहा है, उसके बाद एक्स फाइंड करेंगे तो आर बाई 50 प्लस 1 इज इक्वल टू 28, मैंने तोड़ लिया डिनोमिनेटर से और R की वैल्यू आ जाएगी 27×50, यानी कि 27×135 1350, ये वैल्यू आ गई 1350। आपको बताना है कि कितना इंप्रूव हुआ एवरेज। अच्छा, बॉलर का एवरेज जब भी इंप्रूव होगा ना तो यानी कि वो घट रहा है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ अगर 30 था पहले और बाद में 20 हो गया तो ये बॉलर का एवरेज इंप्रूव हुआ है, यानी कि कम रन दे के वो विकेट ले रहा है, ठीक है। ये डिनोट करता है कि पहले ये 30 रन दे के एक विकेट लेता था और अभी 20 रन देके वही एक विकेट ले रहा है ना। और बैट्समैन का उल्टा होता है, बैट्समैन जितना ज्यादा रन स्कोर करेगा उतना ज्यादा उसका एवरेज होगा, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इम्प्रूव मैंने इसीलिए यहाँ पे डाल दिया है कि आप ये चीज में कंफ्यूजन आपको ना रहे, ठीक है। इम्प्रूवमेंट हो रही है यानी कि यहाँ 28 से तो ज्यादा ही होगा, आपको ये इम्प्रूवमेंट बतानी है, ठीक है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो ये एवरेज क्या आ जाएगा, 1350/46 पुराना एवरेज आ जाएगा, क्योंकि आपके पास अब विकेट्स भी है और रन्स भी है ना। थोड़ा क्वेश्चन उल्टा करके पूछा गया बट हम लोग बेसिक ये थ्री लाइन मेथड यूज करेंगे, आराम से आ जाएगा। अब इसमें आपको कैलकुलेशन थोड़ी करनी पड़ेगी, डेसिमल में आएगा आंसर 675। यहाँ पे आप क्वेश्चन को बढ़ा के लिख सकते हैं करेक्ट टू 2 decimals, यहाँ पे ऑप्शन भी 2 decimal तक दिए हैं तो वो वेल अंडरस्टूड है। आने वाले टाइम में आपको इसी तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे, आपको दिया नहीं जाएगा अब टू 2 decimal अगर सारी ऑप्शन 2 decimals में है। यहाँ से करें तो 2 बार गए 23×369 होता है, यानी कि 21×215, 9 बार जाएगा 207 होता है, ठीक है। 30 तक की टेबल आपको याद करनी है। अगर आप कहेंगे हम कैसे याद करें तो बड़ा ही आसान है, एक हफ्ते आराम से डेली याद कीजिए, 21 से 30 याद हो जाएंगी, ठीक है। 207 आया, 8 बचा तो पॉइंट लगेगा 80 आ गया, 3 के टाइम गया 69, 11 बचा तो अगेन 4 बार जाएगा। 29.34 था इसका पुराना एवरेज और नया एवरेज कितना हो गया 28, इंप्रूवमेंट कितना हो गया 1.34 का, यह आपका आंसर हो गया। तो कभी वो क्वेश्चन ऐसे घुमा के भी दे सकता है, इसमें आपकी कोई ट्रिक काम नहीं करेगी जब तक आप बेसिक मेथड से नहीं करेंगे, है ना, ये चीज ध्यान रखिए। और जब भी आपने ये फॉर्म कर लिया ना तो आपको सब चीज क्लियर दिखेगी कि कहाँ पे क्या हम लोग लगा के निकाल सकते हैं सर।
अभी लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये इकोनॉमी पे जो मैंने बात की थी ये वो वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या चीज हो रही है, एक बॉलर है जिसका इकोनॉमी मैंने बताया था, इकोनॉमी क्या होता है, कितने ओवर में कितने रन दे रहा, ठीक है। यहाँ पे विकेट्स की जगह बस ओवर आ रहा है बॉलर के, यानी कि एक ओवर में अगर वो 6 रन दे रहा है तो उसकी इकोनॉमी क्या हो गई, 6 हो गई, 6 रन पर ओवर, ठीक है। इकोनॉमी की यूनिट होता है रन पर ओवर। यही चीज हमें दी हुई है कि ये इंप्रूवमेंट हो रहा है। अभी देखिए सेम हम लोग को वही 3 लाइन मेथड यूज करना है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बस ये फॉर्मूला चेंज है। आपको दिया हुआ है 0.20 से इकोनॉमी बढ़ी है ना, जब वो 80 रन देके 10 ओवर में देखता है लास्ट मैच में, यानी कि सेकेंड लाइन आ गई 80 रन बने 10 ओवर, विकेट की जगह ओवर लिख लीजिए, ठीक है। और आपको ये बता रहा है कि आपको पुरानी इकोनॉमी फाइंड आउट करनी है, अगर इसमें टोटल अभी 40 ओवर बोल कर दिए, यानी कि ओवरऑल आपको 40 ओवर बता दिया कि इसने बोल कर दिए, तो इसका मतलब स्टार्टिंग में कितने थे 30, तभी ये दोनों मिलके बने 40। रन्स आपको नहीं दिए इसे मान लीजिए आर, एंड में क्या हो गया आर प्लस 80। और आपको ये भी दिया हुआ है कि जो पहले एवरेज है और जो बाद में एवरेज है, ये दोनों नहीं दिया हुआ है। तो पहले वाला एवरेज हम क्या मान लेंगे, मान लीजिए पहले वाला एवरेज ए था, बाद वाला एवरेज ए प्लस 0.2 हो जाएगा, है ना। और अगर मैं बात करूं ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर अपॉन 30 इज इक्वल टू ए था, आर अपॉन 30 इज इक्वल टू ए था, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 है। एक तो ये चीज हो गई, क्या आपको इसमें पुट कर देना है, तो यहाँ पे सब कुछ ए के टर्म्स में आ जाएगा। अभी लास्ट में देखें अगर, तो 30A प्लस 80 अपॉन 40 इज इक्वल टू ए प्लस 0.2, है ना, ये चीज आ गई। है कि नहीं, ये चीज आ गई। अब यहां से आपको ए की वैल्यू निकाल देनी है, आपको इसका पुराना इकोनॉमी पता चल जाएगा। तो अभी यहाँ पे जगह थोड़ी कम बची है, मैं ऊपर सॉल्व कर देता हूं इसे, ये आपका आ गया 3a by 4 plus 2 is equal to a plus 0.2, 0.2 को भी 1 by 5 लिख सकता है ना, 1 by 5 ही लिख लेता हूं। यहां से सॉल्व करेंगे तो इसको उधर ले जाइए, तो ये क्या हो गया आपका a by 4 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 बाई 5, यानी कि 9 बाई 5। यहां से सॉल्व करेंगे तो a इज इक्वल टू 36 बाई 5, ये वैल्यू क्या आ गई, 7.2। तो ये इसका पुराना एवरेज था, पुराना बॉलिंग इकोनॉमी था, जो कि हमसे पूछा जा रहा है, क्या आंसर हो जाएगा आपका, है ना। तो ये बॉलिंग एवरेज से रिलेटेड बड़ा ही पक्का मेथड है, एग्जाम में आपको यही फॉलो करना है। और आई होप आपको सारी चीजें इंटरेस्टिंग लगी होंगी, ये बैटिंग और बॉलिंग एवरेज काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होते हैं, थोड़ा रियल लाइफ से हम लोग इसे कंपेयर कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं चीजों को। तो ये बैटिंग और बॉलिंग से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस थे, इससे ज्यादा आपको करने की कोई जरूरत है नहीं। और फिर मैं मिलूंगा आपसे नए वीडियो में, तब तक आप सबका शुक्रिया एंड आप सबको ऑल द बेस्ट।